हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ और बहुत दिनों के बाद मैं आई हूँ आज आप सबके साथ एक रेसिपी की वीडियो लेके। तो फ्रेंड्स, हम बनाएंगे आज चिल्ली का अचार और मैंने ली है 1 kg चिल्ली और मैं सबसे पहले इसे अच्छे से वॉश करूँगी और अच्छे से वॉश करने के बाद इसको सूखे कपड़े के साथ इसको सुखा लूँगी और सुखाने के बाद मैं इसे बीच में से कट करूँगी और बीच में से कट करते हुए मैं इसका जो ये डंठल है इसको ऐसे रिमूव कर लूँगी। तो मैं इसके सारे डंठल हटा दूँगी। सबसे पहले हम इसे करते हैं वॉश। मैंने चिल्ली को अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम इसे एक कपड़ा लेंगे, उसके साथ इसको सुखाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने चिल्ली को अच्छे से सुखा लिया है कपड़े के साथ। अब मैं इसको कट करूंगी और डंठल को साथ साथ रिमूव करती जाऊंगी। डंठल को साथ साथ हटाते जाएंगे और बीच में से इसे कट करेंगे। फ्रेंड्स, मैं चिल्ली को इस तरीके से कट कर रही हूँ, जो ज़्यादा लॉन्ग है इस तरीके से उसको मैं बीच में से कट करके उसके 4 टुकड़े कर देती हूँ। ऐसे बीच में से कट कर देती हूँ। तो आप चाहे तो आप किसी भी तरीके से कट कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, लॉन्ग या छोटा कट कर सकते हैं आप। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं सभी चिल्ली को कट करने के बाद। फ्रेंड्स, मैंने चिल्ली को अच्छे से कट कर लिया है और हर तरीके से मैंने कट किया है। मैंने ऐसे ऐसे 4-4 टुकड़ों में भी इसे कट किया है, इसे लंबे में इस तरीके से भी मैंने कट किया है और इसे मैंने इस तरीके से भी कट किया कि 2 हिस्सों में इस तरीके से कट करके मैंने सभी मिर्च को हर तरीके से कट करके रख लिया है। और ऑयल को मैंने रख दिया है गैस पर गर्म होने के लिए। और अब हम चलते हैं आगे की तैयारी में। फ्रेंड्स, हम मिर्च का अचार बिल्कुल न्यू ट्रिक से बनाएंगे, न्यू तरीके से बनाएंगे। मैंने मिर्च का अचार बनाने के लिए लिया है मेथी दाना, अजवाइन, काली मिर्च साबुत और साथ में मैंने लिया है नींबू का रस। अब हम इसे रोस्ट नहीं करेंगे, हम हमेशा रोस्ट करके डालते हैं। इस बार हम इसे मसालों को, जो खड़े मसाले हैं, हम इसे रोस्ट नहीं करेंगे। हम इसे कच्चा ही ऐसे ही डालेंगे बिना रोस्ट किए। चलिए फ्रेंड्स, हम इसे डालते हैं मिर्च के अचार में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अजवाइन, काली मिर्च और मेथी दाना को इसमें डालेंगे और साथ में ही हम इसमें डालेंगे नमक और हल्दी। फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, हल्दी और नमक। तो फ्रेंड्स, नमक थोड़ा ज़्यादा डलेगा क्योंकि मिर्ची है और मिर्ची में तो ऐसे भी नमक ज़्यादा चाहिए और अचार में ऐसे भी नमक ज़्यादा हो तो अचार लॉन्ग टाइम तक चलता है। तो हम इसे मिक्स करते हैं इसी में और इसे हाथों से अच्छे से मैश करते हुए मिर्च के साथ मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, इसी मसालों के साथ हम इसमें नींबू का रस भी ऐड करेंगे ताकि ये भी अच्छे से इनके साथ मिक्स हो जाए। तो नींबू का रस डालने के बाद हम इसे हाथ से अच्छे से मैश करेंगे, अच्छे से मिलाएंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा ऑयल भी हो गया है गरम। अब हम ऑयल को ठंडा होने के लिए रख देंगे अचार में डालने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने सभी मसालों को अच्छे से मैश कर दिया है, अच्छे से मिक्स कर दिया है मिर्च के साथ। अब हम हल्का सा इसमें गरम ऑयल डालेंगे ताकि ऑयल से भी इसकी अच्छे से मसाज हो जाए। तो हम हल्का सा इसमें ऑयल डाल के ऑयल से भी इसकी मसाज करेंगे हाथों से। फ्रेंड्स, मैंने ऑयल डाल के भी अच्छे से मसालों को मैश कर दिया है, अच्छे से मसालों को हाथ के साथ मिक्स कर दिया है। और देखिए कितना ये देखने में लाजवाब, कितना टेस्टी लग रहा है ना ये अचार। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैंने इससे सभी को मसालों को मिक्स कर दिया है। अब हम एक जार लेंगे, हम इसे एक जार में ट्रांसफ़र करेंगे। फ्रेंड्स, हमने मिर्च के अचार को इस तरीके से कंटेनर में भर के रख लिया है और अब हमने जो ऑयल को गर्म करके रखा हुआ था उसे डालेंगे इसमें। अब वो ठंडा हो चुका है, हमने ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो फ्रेंड्स, अब हम ऊपर से ऑयल डालेंगे मिर्च के अचार में।
मैंने इसमें ऊपर से ऑयल डाल दिया है। मैं इसमें सिर्फ इतना ही ऑयल रखूँगी। अगर आपको लगता है कि इसमें और ऑयल डालना चाहिए तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे इतने में ही रखूँगी। और बीच में मैं उसे 2 से 3 घंटे की धूप लगाऊँगी। धूप लगाने से हमारा जो अचार है जल्दी ख़राब नहीं होएगा, लॉन्ग टाइम तक ये चलेगा। और फ्रेंड्स, इसे बीच में मैं ढक्कन लगा के अच्छे से हिलाती रहूँगी ताकि जो हमारे सभी मसाले हैं सेट हो जाएं और जो ऑयल है वो सभी मिर्च को मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरा न्यू तरीका अच्छा लगा हो मिर्च का अचार डालने का, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ और रेसिपी के साथ और ब्लॉग के साथ। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।